यमुनानगर गनौली के खेतों में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार का दिन ढलते ढलते यमुनानगर गोलियों की आवाज से दहल उठा। पुलिस को सूचना मिली कि गांव गनौली के खेतों में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें दो शख्स घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुस्तकीम नामक शख्स को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लज्जा राम ने बताया कि वह फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने माना कि दो आदमियों को गोली लगी है, जिसमें मुस्तकीम नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस की माने तो फिलहाल जमीन के किसी भी प्रकार के झगड़े की बात सामने नहीं आ रही है। तफ्तीश के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। वासी माड खेड़ी का डेरा है और वहाँ पर फायरिंग होगी। मौके पर पहुँचा हूँ, मौके पर पहुँच के देखा दो आदमी में गोली लग रही है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। तो कोई कैजुअलिटी हुई है? हाँ, एक आदमी में एक्सपायर हो गया, कार भी की जा रही है। क्या नाम है सर जिसकी जो एक्सपायर हुआ? मुस्तकीम। तो कुछ पता चला सर किस वक्त फायरिंग? अभी बयान ले रहे हैं, जैसी बयान आएंगे उसके हिसाब से पता लग जाएगा। तो पता लगा सर किसी राजनीतिक आदमी का जमीन थी जिसको लेकर के विवाद हुआ? नहीं, जमीन का कोई झगड़ा नहीं है सामने। अभी बयान के बाद पता लगेगा क्या बात है।